और भाई लोग, क्या हाल है? आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर देगा। लीन मसल डेवलप करना पहला, फैट लॉस करना, इन चीजों को लेके ना एक माइंड में बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि यार कैसे, मतलब कि भूख को कितना कंट्रोल करें, आखिर आखिर कितनी कैलोरी डेफिसिट में रहें कि हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। और एक बहुत बड़ी गलती करते हो जिसके बारे में बात करने वाला हूं। वीडियो बहुत यूजफुल, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो। ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज बहुत अमेजिंग होने वाली है। मैं एक ऐसे बात को आज कवर करने वाला हूँ ना, जो गलती मैं भी करता था, पर मैंने उसको सुधारा और रियलाइज किया कि रिजल्ट कितना अच्छा आया। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब हम एब्स का वर्कआउट कर रहे होते हैं, बहुत टाइम से सेम टू सेम वर्कआउट कर रहे हैं, एब्स में डिटेलिंग ही नहीं आती। और हम क्या सोचते हैं कि हम ऑब्लिक मसल को ट्रेन कर करके, फ्रंट एब्स को ट्रेन कर करके एकदम से सिक्स पैक एब्स बिस्किट वाले निकाल के ले आएंगे। 70% रोल डाइट का होता है, और डाइट को लेके एक बहुत बड़ी गलती जो आप कर रहे हो, अब मत करना। और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि चेंजेस विद इन 2 to 3 weeks तुम खुद देख पाओगे। वीडियो शुरुआत में जो करना कर रहा हूं, वीडियो की शुरुआत में एक बात आपको बताता हूं, सुनो। आपको मान लो मैंने सजेस्ट कर दिया कि आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है, आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, आपको 1500 इनटेक करना है। तो क्या एक चीज दिखाता हूं मैं, ये स्पेशली वीडियो के लिए हीरा स्वीट से मंगाया, प्रमोशन दिया। ये क्या है? दाल का चौड़ी, समोसा। अब सुनो, मान लो इसमें तुम्हें मिल रहा है 250 कैलोरी और इसमें तुम्हें मिल रहा है 200 कैलोरी। तुमने पूरे दिन जो फूड इनटेक किया, और मैंने जैसे बोला कि 1500 कैलोरी मैंने तुम्हें सजेस्ट कर दिया, समझो मैं पूरी कहानी तुम्हें समझा रहा हूं ताकि तुम रिलेट कर पाओ, समझ पाओ मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये चीजें तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर कर रही है मेरे भाई, मैं सच बता रहा हूं। तो मान लो 1500 तुम्हें लेनी थी, कैलोरीज इनटेक करना है, और तुमने कर लिया 1200। अब क्या हुआ कि क्रेविंग हुई सडन, तो तुम क्या सोचोगे अगर ऐसा सोचते हो, ऐसा करते हो कि कोई नहीं यार, कैलोरी डिफिसिट में तो चल ही रहे है ना, और अभी अपने पास 300 कैलोरी का स्कोप है, तो क्यों ना कचौड़ी और समोसे खा ले। अब सुनो मेरी बात, इट इज अबाउट द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड आइटम। ये मैं बार बार कहता हूं ना, तो ये दिखाने का और अब जो समझाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। मैंने जो पर्सनली अडेप्ट किया, जो इंप्लीमेंट किया, जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट्स मिले, रिजल्ट्स कैसे मिले, ऐसे मिले, ये देखो, ये रिजल्ट्स मिले ऐसे, ये देख रहे हो, ये डिटेलिंग देखो, ठीक है। तो मैंने क्या किया और आपको क्या करना चाहिए, क्लीन खाओ, ईटिंग क्लीन रखो, ट्रांस फैट मत डालो, फालतू की चीजें, ऑयल वॉयल ये सब मत डालो, अनहेल्दी ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, गुड फैट्स वाले ऑयल नहीं। ऑलिव ऑयल आप एक बार को लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकते हो, या सनफ्लावर ऑयल भी कर सकते हो लिमिटेड क्वांटिटी में, समझो इस बात को। अब ये जो समोसे, कचौड़ी और न जाने क्या क्या नूडल्स, ठीक है आप कैलोरी डिफिसिट में हो, बट इनको जब आप इनटेक करोगे तो ये आपको आपके गोल से पीछे करेगा, इवन दो आप कैलोरी डिफिसिट में हो तब भी। तो क्या करना है आपको, मैंने क्या किया मैं बता रहा हूं, बहुत हाई फाई नहीं रखा, देखो मैं तुम्हें बताता हूं। लीन होने का बहुत सारा फंडा है, बहुत सारे तरीके हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग रिजल्ट दे देगा, कीटो डाइट रिजल्ट दे देगा, बट सबसे सिंपल, इजी, और फिर से मैं बोल रहा हूं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास मेरा टारगेट है, तो कॉस्ट इफेक्टिव कम पैसे में। तो मैंने क्या किया, रेशियो बता देता हूं, आप खुद कर लेना। पूरे दिन की डाइट ना 50-55% कार्बोहाइड्रेट में रख दो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर। 25-30% प्रोटीन रखो और 10-15% जो है गुड फैट्स रखो। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, हो सकता है थोड़ा 19-20 हो जाए, बट मैं एक एस्टिमेट बता रहा हूँ आपको। अब एकदम कमेंट सेक्शन में मत बोलना कि भाई 55+35+ ये तो 95 हो गया, 100 नहीं हुआ, समझो मेरी बात को, है ना। तो इससे क्या होगा, जब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो मेरे भाई, आप वर्कआउट अच्छा कर रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो वर्कआउट अच्छा कर रहे हैं, तो वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। टेंशन मत लो कि हमें यार 80% प्रोटीन ही इंटेक करना है तभी लीन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, फ्यूल चाहिए ना। और 30% जो प्रोटीन है ना, वो नेचुरल सोर्स से लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोटीन सप्लीमेंट को एक बार को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डाइट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, डाइट की, जैसे कि ग्रीन मूंग हो गया, और सोया चंक्स हो गए, सोया सीड्स हो गए, और अपने पास बीन्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है वेज में,
जो आप कंज्यूम कर सकते हो वो कॉस्ट फ्रेंडली है, इसीलिए मैं उसको सजेस्ट करता हूँ बार बार। गुड फैट्स में मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगी महंगी चीज़ें खानी है। पम्पकिन सीड हो गए, आलमंड्स ऑप्शन है, आप कंज्यूम कर सकते हो तो करो, आपके बजट में फिट बैठता है। अदरवाइज पीनट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के लिए अपने पास स्वीट पोटेटो है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के लिए व्हाइट राइस है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के लिए फिर से फाइबर्स भी मिल जाएगा, उसमें रोटी खा सकते हो आप। अब सुनो, आप प्लान कैसे करना है, प्लान ऐसे करना है कि जैसे आपने मान लो सुबह 4 चपाती खा ली, तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि अब 4 चपाती सुबह खा ली आपने तो अब फिर वापस से दोपहर में भी आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही कंज्यूम करना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कमी तो पूरी हो गई ना, अब दोपहर में व्हाइट राइस ले लो सिंपल कार्बोहाइड्रेट। पर ध्यान रखना कि ओवरऑल जो रेशियो है वो 50-55% ही रहे, क्योंकि अगर आप इंटेंस वर्कआउट नहीं कर रहे हो, ढंग से वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो फ्यूल में बॉडी उसको उतनी कन्वर्ट नहीं करेगी, फिर से उसको स्टोर कर लेगी, तो फिर ये टमी फैट कैसे जाएगा, आप सोचो इस बात को। और मैं तुम्हें फिर से एक बात बता रहा हूँ, तुम चाहे 200 क्रंचेस लगा लो, चाहे 350 लेग रेजेस कर लो, फायदा नहीं। और हाँ, एक गलती मत करना मेरे भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मसल ना रिजिड हो जाएगा। मैंने ऐसे लड़कों को देखा है 3-3 घंटे वर्कआउट करते हैं, 3.5 घंटे, नो ऑफेंस बट चेंजेस नहीं आ पा रहे और एब्स नहीं बन पा रहे उनके। क्यों, गलती क्या करी, ओवर ट्रेन कर दिया। ओवर ट्रेन करने से क्या होता है पता है तुम्हें, बॉडी, मैं एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ, दिमाग बोलता है बॉडी को कि भाई ये 200 क्रंचेस तो मारेगा ही, वो प्रेशर ही नहीं लेगा उसको, समझो इस बात को। ये एक एक मसल मेमोरी का फैक्टर होता है यहाँ पे, आप में से कई लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जिनके साथ ये हुआ है। तो ना सिंपल रखो यार, तुम चाहे 20 रिपीटेशन ही मारो, ढंग से मारो। और जब तक डाइट पे ध्यान नहीं दोगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कितने भी क्रंचेस मार लो, कितनी रनिंग कर लो, कितना कार्डियो कर लो, HIIT कर लो, HIIT कर लो, रिजल्ट नहीं आएगा। सिंपल सी बात है ना यार, कि अगर मुझे 1500 कैलोरीज इनटेक करना है और मैं कर रहा हूँ 2500, और मैं बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहा हूँ, पर मैं कैलोरी डिफिसिट में ही नहीं जा रहा, कितना बर्न कर लोगे आप, कितना कर लोगे? तो और एक बात है कि अभी जैसे जिम विम बंद हो रहा है, तो आपको डाइट पे और स्ट्रिक्टनेस रखनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ प्रोटीन खाना है भाई, क्लीन खाओ, क्लीन समझते हो, मैं बताता हूँ क्लीन किसे कहते हैं। वाइट राइस जैसे बॉयल हो गया, उसी में आलू डाल दिया आपने, ठीक है, कोई थोड़ा बहुत मसाला डाल दिया और हल्का ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर जो भी यूज़ कर रहे हो, ये क्लीन डाइट है। लेकिन अब समोसे की बात है, तो तुम बोलोगे इसमें भी तो यार कार्ब्स होते हैं, मैदे में आलू है उसमें भी, अरे इसको कितना फ्राई करते हैं तेल में, मसाले एंड ऑल दैट, फिर उसको ऊपर से फ्राई करते हैं, तो ये बॉडी ना इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगी फ्यूल के तौर पे, है? पर वाइट राइस और आलू जब खाओगे उसको तुरंत कन्वर्ट करेगी, तो ये फंडा है भाई। और यही चीज मैंने इंप्लीमेंट किया, तुम शायद बिलीव करो या ना करो वो तो आपकी मर्जी है, बट सच बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ कि बहुत सिंपल रखा। एक मील मैं आपको बताता हूँ जो मेरा फेवरेट है पोस्ट वर्कआउट। मैं क्या करता हूँ, कुकर में थोड़ा सा तेल लेता हूँ, सोया चंक्स छोटे वाले, पहले जीरा डाल दिया, अदरक क्रश कर दिया और थोड़ा हरी मिर्च डाल दी उसमें, थोड़ा सोया चंक्स डाल दिया, सोया चंक्स और थोड़े आलू, थोड़ा वाइट राइस, उस पर कोरिएंडर लीव्स चॉप करके डाल दिया। और उसके बाद पोस्ट वर्कआउट मैं लेता हूँ तो मुझे बहुत अमेजिंग फील होता है, सच बताऊँ कमी नहीं फील होती। मैं प्रोटीन सप्लीमेंट भी लेता हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है चलो एक बार को, बट डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट के कंपेरिजन में, इस चीज़ को समझो। तो वीडियो का जो जिस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है कि अगर आपको लीन होना है, अगर आपको गंदा फैट चर्बी बॉडी से निकालनी है, तो क्लीन खाओ, क्लीन ईट, क्लीन और कैलोरी डेफिसिट में रहो, पर सही तरीके से रहो। अगर 1500 कैलोरी इनटेक करनी है तो आप अपने सोर्सेस को चेक करो कि क्या गलत सोर्स से तो कैलोरी इनटेक नहीं कर रहे। अगर मान लो आपके पूरे दिन में आपने कैलोरीज इनटेक रखी 900, अब आपके पास स्कोप है 600 का, तो क्या आप पिज्जा मंगा लोगे 500 कैलोरीज का? नहीं यार। आइसक्रीम मंगाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर स्नैक्स भी चुनना है तो काले चने को बॉयल करो ना, उसमें खीरे टमाटर काटो, नींबू निचोड़ो, टेस्ट का टेस्ट, थोड़े आलू डालो, दही डालो, और एक एक चीज जो मैंने बोल दी अभी क्रॉस चेक कर लो, सबका न्यूट्रिशन वैल्यू सब काम आएगा तुम्हारे, पिज्जा बर्गर काम नहीं आएगा। तो बात इतनी सी है कि चॉइसेस को लेके स्मार्ट बनो, हार्ड वर्क तो करो पर स्मार्टली करो। अभी पुरानी कहावत थी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आई डू नॉट अग्री विद दैट इन फिटनेस इंडस्ट्री, स्मार्ट एंड कंसिस्टेंट विंस द रेस, समझ रहे हो बात को? तो गाइज आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए जो मैं समझाना चाह रहा था,
और आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। पार्क से आने वाली है वीडियो, पार्क में शूट करूंगा चेस्ट वर्कआउट, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट चेस्ट वर्कआउट का था। दो डंबल या दो ईंटें या जो भी होगा अवेलेबल वो यूज़ करूंगा, और उसके बाद एप्स की भी वीडियो आने वाली है। सिर्फ एक लटकने का जुगाड़ कर लेना, उसी में सारे एप्स वर्कआउट करवा दूंगा, लिख के दे रहा हूँ। तुम सोचो कैसे अलग 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 एंगल से हिट करके दिखाऊंगा, सामने वीडियो बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो चेस्ट वर्कआउट आने वाली है। और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में, मजा आया वीडियो देख के तो कमेंट सेक्शन में हार्ट छोड़ देना। और आपको सच में अगर ऐसा लगता है कि हम मिलकर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो डबल हार्ट छोड़ देना। दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।